अस्सलाम वालेकुम दोस्त, और आज चाइनीज लैंग्वेज कोर्स कंप्लीट इन उर्दू के लेक्चर नंबर 16 के साथ हाजिर हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस लेक्चर में हम जो सीखने वाले हैं वो है इज एम आर, यानी जिस तरह इंग्लिश में हम यूज करते हैं इज एम आर, तो चाइनीज में हम वो किस तरह से यूज करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, हमने हमारे पास जो चाइनीज वर्ड है एस एच आई शिर, शिर हम पहले भी देख चुके हैं, शिर का मतलब 10 यानी 10 होता है, ठीक है। और इसी तरह इसका एक मतलब ये भी है इज एम आर, ठीक है। इज एम आर के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, शिर शिर शिर, ठीक है। तो शिर हम किस लिए यूज करते हैं, टू डिफाइन अ पर्सन और अ थिंग, किसी भी पर्सन या चीज को डिफाइन करने के लिए। डिफाइन से मुराद मतलब कि वो भी हम देखते हैं, डिफाइन कैसे करेंगे हम चीजों को। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, मैं डिफाइन कर रहा हूं वाह वाह शिर सैफुर रहमान, मैं सैफुर रहमान हूं, यानी मैं वाह को डिफाइन कर रहा हूं कि वाह क्या है, ठीक है। वाह यानी आई एम सैफुर रहमान, वाह शिर मैं हूं सैफुर रहमान, ठीक है। इसी तरह ये देखें, क्वेश्चन पूछता है नी शिर अली मा, क्या तुम अली हो, वो कहता है वाह शिर अली, मैं अली हूं, ठीक है। नीशिर अलीमा वाशिर अली। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, शिर के अंदर हमने कुछ जो प्रिकॉशंस है उसका ध्यान करना है, जो कि बहुत जरूरी है कि जहां पर जाए, ठीक है, या वर्ब या कोई एडजेक्टिव आए वहां पर शिर इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। तो इसके जब हम एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी कि ये किस जगह पर इस्तेमाल होगा और कहां नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल एडजेक्टिव की एग्जाम्पल देखते हैं, एडजेक्टिव के साथ शिर इस्तेमाल नहीं होगा। एडजेक्टिव क्या होते हैं, मतलब के बड़ा, कोई छोटा, तारीफ करना, खूबसूरत, बदसूरत, ठीक है। ये जो चीजें हैं ये क्या है, ठीक, ये सारी चीजें क्या है, एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, मेरे पास एग्जाम्पल है वादा पी मेरा कलम शिर हंशियाओ, शिर है हंशियाओ बहुत छोटा, मेरा कलम बहुत छोटा है। तो मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव के साथ शिर नहीं आएगा, तो श्याओ क्या है और ये हन क्या है, सॉरी श्याओ श्याओ क्या है, ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के साथ शिर नहीं आएगा, तो इसलिए ये फॉल्स हो गया। तो ट्रू क्या होगा, वादा पी मेरा कलम हंशियाओ, ठीक है, मेरा कलम बहुत छोटा है। समझ आती है आपको कि एडजेक्टिव के साथ नहीं लगेगा, शिर नहीं आएगा, शिर खत्म हो गया, ये एडजेक्टिव आ गया, छोटा है, बड़ा है, अच्छा बुरा, इस तरह की चीजें। इसी तरह आप ये देखें, जाय आ गया, जाय के साथ कैसे इस्तेमाल होगा वो देखते हैं। वादा चारन मेरे घर वाले शिर हैं जाय इस्लामाबाद, इस्लामाबाद में, ठीक है। देखने में तो सही लग रहा है लेकिन ये फाल्स है क्योंकि जाय के साथ आ गया, तो इसलिए ट्रू क्या होगा, वादा चारन जाय इस्लामाबाद, मेरे घर वाले इस्लामाबाद में हैं, ये ट्रू है, ठीक है, शिर जाय के साथ नहीं आएगा। अब ये वर्ब की एग्जांपल देख लें, अब ये देखें वा शिर छू ताशोए, मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूं, ठीक है, लेकिन ये गलत है क्योंकि छू जो है ये एक वर्ब है, एक एक्शन है, तो इसके साथ शिर नहीं लगेगा, खाली वर्ब ही आएगी। तो कैसे, ट्रू क्या होगा, वा छू ताशोए, मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूं, ठीक है। तो आपने वर्ब जाए और एडजेक्टिव के साथ शिर का इस्तेमाल नहीं करना। वा शिर सैफ, मैं सैफ हूं। अब ये देखें, सैफ जो है ना ये एडजेक्टिव है, ना जाए है और ना ही ये वर्ब है, ठीक है, ये वा को डिफाइन कर रहा है, उसको बता रहा है कि ये क्या है, क्या करेगा। समझ आती है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास दोस्तों एक्स यू ई, एक्स को चाइनीज में शीन के तौर पर प्रोनाउंस किया जाता है, तो ये क्या है, शोए, और एस एच ई एन जी शंग, ठीक है। अगर हम इन दोनों को इकट्ठा कर दें तो इसका मतलब बन जाता है स्टूडेंट यानी तालबे इलम, शोए शंग शोए शंग शोए शंग शोए शंग शोए शंग, स्टूडेंट यानी तालबे इलम, ठीक है। इसी एग्जाम्पल देखते हैं, वाशिर सैफ, मैं सैफ हूं, वाशिर शोएशंग, मैं स्टूडेंट हूं, ठीक है। स्टूडेंट देखें,
ना ये एडजेक्टिव है ना वर्ब है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे शिर आ गया। ये वा को डिफाइन कर रहा है, वा है क्या, वा शिर शोशंग, मैं स्टूडेंट हूं। नी शिर बिलाल मा, क्या तुम बिलाल हो, वा शिर बिलाल, मैं बिलाल हूं, ठीक है। नी शिर शोशंग मा, क्या तुम स्टूडेंट हो, वा शिर शोशंग, मैं स्टूडेंट हूं, ठीक है। अब ये देखें, मैंने पू का इस्तेमाल करके दिखाया किस तरह करेंगे, पू जो है वो शिर से पहले आएगा। वप्पू शिर शोशंग, मैं नहीं हूं तालबेलम, ठीक है। ये आपने पैटर्न जितने भी मैं बता रहा हूं इनको आपने मद्देनजर रखना है, और आगे फिर जो मर्जी रिलेशंस, जो मर्जी चीजें लगाई जाए, बस ये पैटर्न को याद रखना है कि शिर से पहले पू लगेगा, पू जो है वो शिर से पहले आएगा। और ये देखें, मैंने ये का इस्तेमाल करके दिखाया, वा ये पू शिर शोशंग, मैं भी नहीं हूं तालबे इलम, स्टूडेंट, ठीक है, ये पू से पहले आएगा। अब ये पूछता है जी इससे, निदती ती शिर शोशंग मा, तुम्हारा छोटा भाई है स्टूडेंट क्या, क्या तुम्हारा छोटा भाई स्टूडेंट है। उसने कहा वा दती ती शिर शोशंग, मेरा छोटा भाई स्टूडेंट है, ठीक है। तो दोस्तों ये देखा आपने छोटे इस वीडियो में हमने शिर का इस्तेमाल देखा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एमआर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को।